भागवत का स्कंद 6वां अध्याय 9वां इंद्र का विश्वरूप अपने प्रोत को मारना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के तीन सिर से एक मुंह से वो सोमवती बलि का रस जग से निकाल कर पीता था, दूसरे मुंह से मदरा पीकर तीसरे मुंह नाल अन्नादिक भोजन करता था। सो इंद्र ने राजा पर बैठ के कुछ दिन उपरांत विश्वरूप से कहा कि मैं तुम्हारी दया नाल जग करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार जग आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी देवते दैत्य ने विश्वरूप पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता दी दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे वास्ते एक आहुति दैत्यों के नाम से जग में दिया करो तो उत्तम होता। जब विश्वरूप उस दैत्य का कहना मानकर उसने जग में दैत्यों का भाग निकालना चाहा, नाम दैत्यों का तीरे से लेने लगा और किसी कारण देवतों का तेज जग करण नाल नहीं बढ़ा, तब इंद्र ने ये वृतांत जानते ही क्रोध में होकर तीनों सिर विश्वरूप के काट डाले। सो मदपान करने वाला भवरा और सोम बलि पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर नाम पंखी संसार में उत्पन्न हुआ। सो विश्वरूप के मरने नाल इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के कारण बदल गया। जब देवताओं के वर्क पुरुष चरण करने पर भी वो महापाप ब्रह्म हत्या का नहीं छूटा, तब इंद्रादिक देवतों की विनती से ब्रह्मा जी उस हत्या के चार टुकड़े करके एक भाग पृथ्वी को दिया। इस वास्ते जमीन में कहीं कहीं कल्लर होता है, वहां पूजा और पाठ ना करनी चाहिए। ब्रह्मा को तब पृथ्वी जी ने कहा कि महाराज मुझे क्यों हत्या लगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र दी हत्या ऐसे ही जानी थी, तब तुझको ए बर दिया कि जहां तेरे में टोआ टिब्बा होगा सो कुछ दिन में आप ही भर जावेगा। दूसरा भाग बूटियों को दिया जिसमें बूटे सूख जाते हैं सिवाय गुल्लर दे, और अशुद्ध समझना चाहिए कि जड़ बिरख काट डालने पर भी वो बिरख दूर ना होवेगा। धरती माता को ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुझको ए बर दिया कि जहां तेरे में टोआ टिब्बा होगा सो कुछ दिन में आपे ही भर जावेगा। दूसरा भाग बूटियों को दिया जिसमें बूटे सूख जाते हैं सिवाय गुगल दे, और अशुद्ध समझना चाहिए कि जड़ बिरख काट डालने पर भी वो बिरख दूर ना होवेगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, उसी कारण स्त्रियां रजस्वला होती है, पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन तोपन के समान, और चौथे दिन जा पवित्र होती है। ये वरदान उन्हें दिता कि जिसमें उनका कामदेव बना रहे, इसलिए गर्भवती स्त्री के मन में भोग विलास करने की इच्छा बनी रहती है। चौथा भाग हत्या का जल को दिया, सो जल दे ऊपर बूर आ जाता भया, तब जल ने पुकारा कि मुझे क्यों हत्या लगाई, मेरे से कौन सा पाठ करेगा, मेरे को कौन सा पान करेगा और नहावेगा। तब ब्रह्मा ने उसको ये वरदान दिया कि तेरे बूर हटावने से हत्या दूर हो जावेगी, तू शुद्ध हो जावेगा, तब तेरे में सब कोई स्नान कर शुद्ध होवेगा।
सो इंद्र की चारों जगह हत्या बांट देने से इंद्र शुद्ध होकर राज करने लगा। वह तब त्वष्टा को विश्वरूप के मारे जाने का हाल पहुंचा। तब उसने बड़ा क्रोध कर ऐसा मंत्र पढ़कर हवन किया जिससे एक पुरुष इंद्र दे मारने वाला उत्पन्न हो गया। सो श्री महाराज, तो श्री परमेश्वर महाराज की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह से उल्टा दिया कि इंद्र के हाथ से वो मारा जावे। हवन होने के समय हवन के कुंड में से एक दैत्य बलवान पर्वत दे समान काला बदल दी तरह खड़ग हाथ लिए हुए जितनी दूर तीर जा सकता था, इतना शरीर उस दैत का हर रोज बढ़ता था। इस वास्ते त्वष्टा ने उसका नाम वृतासुर रखा। उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई का बदला ले। सो एक बात सुनते ही इंद्र के पास जाकर गर्जा, सब देवता घबरा गए। जब वृतासुर ने चाहा कि इंद्र के मुंह में डालकर निकल जाऊं, तब इंद्रादिक सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने शस्त्र चलाए। वृतासुर उनके सब हथियार निकल गया। तब इंद्र सब देवताओं समेत वहां से भाग गया और नारायण जी की शरण में जा पड़ा और उस्तुत करी और कहा कि हे मेरे प्राण बचाओ, मेरे से इस दे साथ युद्ध नहीं होता, आप मेरी रक्षा करो। आप त्रैलोक दे मालिक हो, हम अपनी आपदी शरण आए हैं। देवते और मनुख सब आपके बनाए हुए हैं, आप वृतासुर का उपाय करिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। वृतासुर के भय से नींद नहीं आती, तुम्हारी कृपा से सब बढ़ते हैं, सो इस समय देवतों को बढ़ाना चाहिए। सो उल्टी हो रही है, वृतासुर बढ़ता जाता है। ये वचन सुनकर और उस्तुत सुनकर नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्र, तैने अज्ञानता में ब्राह्मण को मारा था, उसे गल का ये फल लग रहा है। वृतासुर दैत्या के शरीर पर कोई शस्त्र नहीं लगता। तुम लोग दधीची रगीश्वर की हड्डी, जिसने बहुत तप किया है, मांग कर उस हड्डी का वज्र बनाओ, तो उस तप के प्रताप से वो वज्र वृतासुर के अंक काटेगा। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र तदीजी ऋषि पास गया, बेनती करके कहा कि आप से भिक्षा मांगने आए हैं, आप कृपा करके बख्श दीजिए। ओम नमो नारायण। भागवत का स्कंद सीमा अध्याय नौमा समाप्तम इति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण।